विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कटनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध कंटेनर से 325 किलो गांजा जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस ने वाहन चालक और कंडक्टर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कटनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कटनी पुलिस ने 325 किलो गांजा जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जोहली मोड़ के समीप सुनसान जगह पर एक कंटेनर संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। जब पुलिस ने कंटेनर की तलाशी ली तो उसमें 3.25 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। ट्रक के अंदर एक विशेष चैम्बर बनाया गया था, उस चैम्बर में ही 13 बोरियों में गांजा रखा गया था। पुलिस द्वारा जब्त किए गए माल की कुल कीमत 1.3 करोड़ रुपए है। पुलिस ने गांजा जब्त कर वाहन चालक आरोपी राजेश जायसवाल और कंडक्टर दीपू उर्फ संदीप यादव को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक संदिग्ध कंटेनर की तलाशी लेने के दौरान उसमें से 3.25 क्विंटल मादक द्रव्य गांजा जो है हमने पकड़ा है, और उसमें 2 आरोपियों को भी हमने गिरफ्तार किया है जो क्रमशः ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर थे। ट्रक के भीतर एक विशेष चैम्बर बनाया गया था, उस चैम्बर में ही 13 बोरियों में अलग अलग करके कुल 325 किलोग्राम गांजा जो है वो रख करके उसकी तस्करी की जा रही थी। पूरे माल मशरूका जिसमें कि गांजा है उसकी और ट्रक की कुल जो कीमत है वो 1.3 करोड़ के आसपास है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे कटनी पुलिस के द्वारा लगातार जो मादक द्रव्य है उसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार चल रहा है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।